Welcome to Breaking Analysis and Debate TV, shortly BAD TV. मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन या इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी और सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. ये हमारा जो है ये टॉपिक है, लेकिन ये लिंक्ड है बहुत सारी जो है और टॉपिक से. इसकी जो बेसिक्स हैं कि अफरातज़ार क्या है, इसकी वजूहत क्या हैं, इसकी किस्में क्या हैं और पाकिस्तान में इसकी पैमाइश किस तरह होती है, ये मैं लेक्चर दे चुका हूँ. उम्मीद है आप उन लेक्चर्स को भी जो है वो सुनेंगे. और आज जो है मैं आपको बताता चाहूँ कि आज 3 अप्रैल 2023 है, सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं. और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता चाहूँ, इससे पहले जो मैंने जो लेक्चर दिया है कि उसके काजिज क्या है, तो उसमें एक दो जो चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं, जो कि मैंने ऐसा सच वो कोई नोट्स तो तैयार नहीं किए हुए. मैं एक जनरल लेक्चर देता हूँ ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो. तो इसमें जो पिछले लेक्चर में जो है, एक तो वेलोसिटी ऑफ जो है वो मनी जो है ये मैटर करती है, MV = PT. जो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी या मनी का मतलब ये है कि करेंसी की एक यूनिट कितनी बार जो है ट्रांजैक्शन में लेन देन में यूज हुई है. ये एक रुपया यानी पाकिस्तान के हवाले से कि लेन देन में कितनी दफा यूज हुआ है, वो उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी गर्दिश होती है. मसलन एक बच्चा जाके बाल पढ़ लेता है एक दुकानदार से, रिटेलर से, 10 रुपए का है, उसने वो जो 10 रुपए उसको दिए हैं, दुकानदार जो है आगे जो होलसेलर है उससे जाके खरीदेगा, वो आगे जो है वहाँ पे जो उस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे लेगा, वो फिर जो है फैक्ट्री में जो है वो जाएगा, और वो फिर जो है वो आगे जो है वो फैक्ट्री वाले रॉ मटेरियल को देंगे और रॉ मटेरियल वाले फिर वो पीछे. तो ये चैन है कि कितनी दफा, अगर ये 10 दफा यूज हुआ है तो हम कहेंगे ये वेलोसिटी ऑफ मनी है. तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है ये ओवर द ईयर चेंज होती रहती है, ओवर द पीरियड भी. एक साल के दौरान तकरीबन इसमें कोई इतना मास हुआ है, कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए कि हाँ जी प्राइसेस बहुत ज्यादा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, कोई खतरा हो. अदरवाइज ये आपने देखा है कि आजकल जो है रमजान मुबारक है, ईद 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 के दौरान जो है वेलोसिटी ऑफ मनी जो है बहुत ज्यादा लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं कपड़ों पे और जो है खाने पीने की चीजों पे, तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो ये बढ़ती है. इसी तरह हमारी ईद कुर्बान जो मुसलमानों का जो फेस्टिवल है रिलीजियस, उसमें जो है वो आपने देखा है कि कुर्बानी के जानवरों के रेट बढ़ते हैं. रीज़न ये वेलोसिटी ऑफ मनी जो है बहुत ज़्यादा वो हो जाती है. लेकिन ओवरऑल ये जो है पाकिस्तान में वेलोसिटी ऑफ मनी जो है उतनी जो है, मैंने पहले भी बताया कि IMF वर्ल्ड बैंक और जो कुछ कंडीशनलिटीज़ जो हैं उनकी हैं, उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी जो है ना ओवरऑल ओवर द ईयर यानी जो है इतनी वो नहीं है. लेकिन ये इफेक्ट करती है अगर ये चेंज होती है, ये कुछ सेक्टर्स को जो है वो जो ये मसलन एक किसी क्वांटिटी का जिस तरह कुर्बानी के जानवरों में वो प्राइस हाइक आती है तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी वहाँ पे इफेक्ट करती है. ओवरऑल जो है वो इतनी जो हमारा CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें इतना ये मैटर नहीं कर रही. तो ये एक दूसरा ये है कि ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कि इसके इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स जो हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट जो है उसका इन्फ्लुएंस होता है. ये रिसर्च में इम्पैक्ट लव्स यूज करते हैं, तो बारह ये कॉम्बिनेशन है रिसर्च और ये उसका इफेक्ट्स का, ये समझते जाएं कि इफेक्ट यह है उसका रिजल्ट क्या है, क्या वो पड़ता है अगर कीमतें बढ़ती हैं मुख्तलिफ जो है शोबाए जिंदगी के पे, और इम्पैक्ट्स का जो है उसका इन्फ्लुएंस किस हद तक वो करता है और मैकेनिज्म के किस तरह ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये जो है. तो उसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो जो है ज्यादा हिडन इन्फ्लेशन है. जो है मालमग्रैन जो है ये इकोनॉमिस्ट खातून ब्रिटिश, उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, और स्लम्फ्लेशन है जो ये आपको देखें यानी चीज़ें एक चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उसकी मकदार या वेट कम कर देती हैं. उस मसल में ये जो लिप्टन जो चाय पाकिस्तान में जो बिक रही है, ये शायद पहले 100 ग्राम का डिब्बा होता था, अब जो है ये 85 का शायद है और कीमत भी उसकी बढ़ा. तो इस तरह ये और भी इसी तरह जो है बेवरेजेस इंडस्ट्री जो है ना उसमें वो अगर ML जो है वो अगर 250 है तो उसकी बजाय 230 या 220 कर देंगे तो ये कंज्यूमर जो है वो रैशनल जो है बेसिक अजम्पशन है. लेकिन हमारे यहाँ ये इतने हम जो है इतने रैशनलिटी हमें है नहीं. तो ये जो है इस तरह का. एक और मैंने आपको बताया था कि ये सेमी इन्फ्लेशन यानी फुल एम्प्लॉयमेंट जो है आपके लेवल से पहले, यानी आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड पाकिस्तान के तो नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है,
तो उससे पहले जो इन्फ्लेशन होता है सेमी इन्फ्लेशन है। तो हमारे यहाँ ये इसी तरह की इन्फ्लेशन है या क्वांटिटी इन्फ्लेशन है, ये सूरत हाल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। तो ये मैं इसके साथ जो है मैं ये इसको, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी बेस ऑफ रेट जो इन्फ्लेशन की जो किस्मों में जो है ना वो है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन अप टू 2%, इसे कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेशन। और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो है ये इकोनॉमी के लिए जो है बेहतर है ये, और जो जो ऊपर जाएंगे 3% तक भी वो कहती हैं कि एक्सेप्टेबल है, बास 5% तक भी करते हैं। इसके बाद जो है ना ये 3-5% जो है ना इसको कहते हैं कि ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है या ट्रॉलिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। यहाँ तक तो ये एक्सेप्टेबल है और ये इट इज़ गुड फॉर फॉर द इकॉनमी एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। और ये जिस तरह हमारे बॉडी में शुगर लेवल है वो अगर 70 और जो है फास्टिंग जो है 70 और जो है आफ्टर फास्टिंग जो है वो रैंडम आप जो लेते हैं 100 है तो ये आपका ठीक है। और अगर इससे बढ़ता जाता है 125 तक अगर अपर लिमिट जाती है तो इसका मतलब है प्री डायबिटिक वो वन शुड बी कॉन्शियस। तो ये इसी तरह की जो है यहाँ पे भी सूरत हाल है कि आपके जो इकॉनमी का जो है वो शुगर लेवल यानी इन्फ्लेशन जो है वो कहती है कि ये इससे अगर 5% से एक्सीड करता है जिसे हम क्या कहते हैं कि ये आपका मॉडरेट जो है वो है ये वॉकिंग है। और उसके बाद अगर 10 से ये इसे कहते हैं डबल डिजिट इन्फ्लेशन, इससे पहला वाला सिंगल डिजिट, और उससे अगर ऊपर जाती है तो हम कहते हैं कि ये रनिंग इन्फ्लेशन है 10-20%। तो 20% से 100% जाता है तो मैंने ये गैलपिंग जो है घोड़ा जिस तरह भागता है तो गैलपिंग, और ये तो बहुत पाकिस्तान इसी फेज में अब एंटर हो गया। तो अब ये देखना इसके इम्पैक्ट जो पहले वाला है वो बेहतर है, जो जो ऊपर जाएंगे तो ये डेंजरस होता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इसके इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस करते वक्त आप ध्यान में रखें इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताता जाऊँ कि कौन से जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो आपके, मैं दोबारा पीछे चला जाता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े बेहतर होते जाए। ये मैंने आपको बताया था कि ये रीजन जो है ना इन्फ्लेशन के वो इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल जो मुल्क के अंदर के जो है होती हैं और एक्सटर्नल जो मुल्क से बाहर होती हैं, मसलन तेल की कीमतें, गैस की कीमतें जो कि हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो यहाँ में भी कीमतें चढ़ना शुरू कर देती हैं उस चीज़ की, और फिर उससे रिलेटेड जो भी है ट्रांसपोर्ट और जो है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर ये महंगी होने शुरू हो जाती हैं, ये इम्पोर्टेड है। इसी तरह स्मगलिंग जो है ना वो वहाँ से यहाँ से बाहर जा रही है तो ये इंटरनेशनल फॉरन जो है एलिमेंट जो है वो आपका आ जाता है। तो ये आपके लोकल एंड इंटरनेशनल जो है, और डिमांड पुल और सप्लाई पुल, डिमांड वाली साइड पर अगर जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है आबादी के बढ़ने की वजह से या किसी और फैक्ट्री या वहाँ से लोग माइग्रेट करके ज़्यादा आते हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 8 करोड़ जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान की आबादी की, तो डिमांड इस वाले से यानी यूँ समझे कि हमारी आबादी 22 करोड़ नहीं है, ये 30 करोड़ से ज़्यादा है, उसको हम फीड कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपकी डिमांड और सप्लाई साइड पे फिर जो है वही प्रोडक्शन कम होती है, और ये सारी ये इस तरह जो है आप उसको जो है वो देख लेंगे। बारह में ये जो है लेक्चर और लंबा हो जाते हैं तो मैं आप डायरेक्ट ये आता हूँ कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं या इसके इफेक्ट्स EWFECT इफेक्ट्स क्वेश्चन में भी और इन्फ्लेशन इफेक्ट्स EWFECT इफेक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, ये जो है पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पहला क्या है पॉजिटिव या पहला सॉरी जो है वो क्या है, मसलन इन्वेस्टमेंट पे इसका अगर हम जो है इम्पैक्ट देखते हैं इन्फ्लेशन का, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर इन्फ्लेशन आपका गैलपिंग और जो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी चूँकि आपके वेज रेट तकरीबन उतने तेज़ी से नहीं बढ़ते आपकी जो इनपुट से, तो उसकी वजह से जो है आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये देखा गया है कि इन एडिशन टू दिस इन्वेस्टमेंट जो आपकी लोकल होगी और फॉरेन होगी, इन्वेस्टमेंट फॉरेन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ पे फॉरेन नेशनल जो है यहाँ पे आके जो सरमायाकारी करती हैं मुख्तलिफ जो है मतलब बैंक खोलती हैं कोई इंडस्ट्री खोलती हैं तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ
इन्फ्लेशन के अलावा और रीजन की वजह से जो है ना हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से शायद जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो, और दुनिया में भी जो है वो जाहिर सी बात है कोरोना की पोस्ट कोरोना जो है वो इकोनॉमी जो है वो बड़ी उन्होंने सफर किया है, वो भी स्टेबल नहीं हुई, तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी $700 मिलियन तक आ गई है 1.5 थी, तो ये फॉरेन और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तकरीबन खत्म ही हो चुकी है क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल ही वो ठप हो गई है, उसमें बिल्कुल बिजनेस नहीं हो रहा, कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही, तो ये हमारे जो है वो यूं समझे कि इसके हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह से जो है इम्पैक्ट जो है वो अच्छे नहीं पड़े, बुरे ही पड़े हैं, हालांकि अच्छे पड़ने चाहिए लेकिन और फैक्टर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं और वो नॉन इकोनॉमिक जो है वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स, जॉब्स। अब इन्फ्लेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी, अच्छा मैं साथ ये भी बता देता हूँ कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी वो भी इस टाइम तकरीबन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% है और बहुत की थोड़ी ही है, आप 15% ऑफ द GDP और उसमें भी 10% जो है वो लोकल है और 5% तकरीबन वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो ये लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपने देखा है, जो टेक्सटाइल जो है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल जो मिल्स जो है वो तकरीबन हमारी वो काफ़ी 6 यूनिट जो हैं बन चुकी हैं और वो तकरीबन 1.5 करोड़ जो मैन पावर है इससे अटैच है, तो इसकी वजह से ही ये जो है ये इंडस्ट्री जो है चूँकि स्क्वीज हो रही है तो ये इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो एनर्जी क्राइसिस भी है, ये सारे मिल के एक खाली इन्फ्लेशन की वजह से नहीं है, तो इसकी वजह से जॉब्स हमारे यहाँ जो है उस पर क्या है इसका नेगेटिव जो है, हालांकि पॉजिटिव पड़ना चाहिए इन्फ्लेशन, अगर हमारे यहाँ अभी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 20 और 30 के दरमियान है, तो बहरहाल ये इसकी वजह से चूँकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, जॉब्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अब जो गवर्नमेंट जो 4.5 मिलियन जो है 45 लाख लोग बेरोजगार, तो ये बेरोजगारी बढ़ के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और बहुत सारे मुल्क से बाहर भी जाके एक डाटा वो शेयर करती हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ, तकरीबन 7 लाख लोग जो हैं मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो ये इस तरह जॉब्स पे जो है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, हालांकि इन्फ्लेशन की सूरत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और जॉब ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है हमारी, जब भी हमने देखा है कि अफरात ज़ार होता है तो चूँकि आपकी चीज़ें जो है वो महंगी होती हैं, दूसरे जो है ममालिक जो आपसे मंगवाती हैं, मसलन आपकी कॉटन है, तो जब इसके रेट चढ़ेंगे तो उनको महंगी पड़ेंगी, अगर रेट ज़्यादा है तो उनको, चूँकि उन्होंने वो जो जब हमसे लेते हैं ये चीज़ें तो वो हमारी करेंसी में पे करती हैं, रुपये में पे करती हैं, तो वो चीज़ अगर उसकी प्राइस अगर डबल हो गई है, अगर जो है हम बेच रहे थे शर्ट है, एक कंपनी बेच रही थी, अगर उसकी कीमत 4,000 से 8,000 हो गई है तो वो अब जो है वो 4,000 एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेंगे, तो इस तरह जो है उसकी डिमांड कम हो जाती है, वन ऑफ द रीजंस ये इन्फ्लेशन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो स्क्वीज हो गए, जो पहले 40 बिलियन पे थी 32 बिलियन पे आ गई है, हालांकि इन्हें बढ़ना चाहिए था, एक्सचेंज रेट भी जब भी करेंसी डीवैल्यू होती है तो हमेशा चीज़ें आपकी जो हैं उन कंट्रीज़ को सस्ती पड़ती हैं और आपकी बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा जो है इस पर असर जो है वो पड़ा है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस पर पड़ा है। एक जो जो अच्छा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का वो होता है चीपर जो है वो है रॉ मटेरियल या सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेट जो हैं वो जो आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब महंगाई वो बहुत ज़्यादा जो है तो आम लोग जो हैं वो कंज्यूमर की डिमांड बाज़ बहुत ज़्यादा जब इन्फ्लेशन हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है तो इकानमी में उसलम पा जाता है, तो इस ये जब बहुत ज़्यादा महंगाई यानी अफरात ज़र होगा तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो हैं वो चीपर रॉ मटेरियल जो है अल्टरनेट जो हैं वो मसलन ये पूरी दुनिया में देखें अमेरिका ने PVC जो है पॉलीविनाइल क्लोरीन जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल है 80 का डाटा है कि 8 लाख जॉब जो है ना ये कम हो गई हैं क्योंकि PVC पॉलीविनाइल क्लोरीन जो है जो आप जूट बैग जो हैं पटसन के बैग की बजाय ये जो है ना जो शॉपिंग बैग जैसे कहती हैं प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं ये वजूद में आई हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इतना जो है कि 8 लाख जॉब जो हैं उनमें वो कम हो गई हैं, तो ये नए नए जिस तरह एक्रायलिक जो हैं ये इसकी डिस्कवरी है तो नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं,
एनर्जी जो है वो अगर कास्टली हो गई है तो वो आप जो है वो पहले एनर्जी की फॉर्म जो है वो कोयला से एनर्जी और वो पानी से एनर्जी, और आप जो है सोलर जो है वो जो है न्यूक्लियर आ गई है, ये सस्ती है उससे भी जो है, तो ये नए नए जो है इसी तरह विंड वाली जो है वो एनर्जी है, तो ये सारी जो है ये रिन्यूएबल जो है ना ग्रीन एनर्जी से कहते हैं, तो ये चीज़ें जो है नई नई डिस्कवर। अगर जो है लेदर की प्रोडक्ट जो है महंगी हो गई हैं तो उसके वो लेदर की बजाय जो है रैक्सिन जो है आर्टिफिशियल जो है वो स्टफ जो है वो, इसी तरह अगर लोहा महंगा हो गया है तो नहीं ये जो है उसकी उसका अल्टरनेट क्या है वो फाइबर, वो स्टील से भी जो है वो हार्ड है और उसको जंग भी नहीं लगता, तो इस तरह की जो है चीज़ें जो है वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। तो गोया तीन चीज़ें जो हैं ये इसकी इन्फ्लेशन के जो है इम्पैक्ट जो हैं इन्वेंशंस पे नई इजादात आ जाती हैं। देखें कंप्यूटर की इजाद, देखें ना ये वो जो पुराना जो बड़ा कास्टली पड़ता था टाइपराइटर और इधर कंप्यूटर की इजाद ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दी है, कंपोजिंग करती हैं कागज़ का इस्तेमाल जो है मेरा ख्याल है वो अगर ये कंप्यूटर इजाद जो है वो ना होता तो शायद पाकिस्तान में आज जो है हमारा एक अखबार जो है शायद 100 रुपये का बिक रहा होता, तो इसकी वजह से हमारे बड़ी वो बचत हुई है। तो ये अफरात ज़र की वजह से जो है इन्वेंशंस फिर इनोवेशंस उसके अंदर नए नए आइडियाज़ के, गाड़ियां पहले जो हैं वो पेट्रोल पे चलती थी फिर गैस पे हुई, गैस भी वो ख़त्म हो गई, तो अब जो हैं इलेक्ट्रिक जो हैं कार्स आना शुरू हो गई हैं, तो ये जो है आपकी चीपर रिसोर्सेज जो हैं ये इन्वेंशंस इनोवेशंस और इमिटेशंस, तीसरी बात है वो नकल करती हैं हम जो हैं कि एक कंपनी ने जो है जूता तैयार किया 5,000 रुपये का, तो वो वही जो है एक दूसरे शख्स ने जो है वो आम आदमी ने जो उसका जो रेप्लिका या उसकी नकल जो है वो 2,000 में तैयार कर ली। इसी तरह कपड़ा है एक ब्रांडेड जो है कंपनी, उसका अगर वो 10,000 रुपये का जो है वो कोई 10,000 रुपये की प्रोडक्ट है तो उसने 4,000 रुपये की 3,000 रुपये की जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, तो ये जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है चीपर सोर्सेज अल्टरनेट्स जो हैं वो उसकी तरफ जाते हैं इंसान। नेक्स्ट है हमारा डेटर एंड बारोअर जो हैं क्रेडिटर एंड डेटर, जो कर्जा लेने वाला और देने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। कर्जा जो इन्फ्लेशन की सूरत में जो लेने वाला है डेटर जो हैं बारोअर जो हैं उस पर अच्छा असर पड़ता है, इसलिए कि जब वो कर्जा लेता है तो उसकी वैल्यू जो है वो उस वक्त वो इतनी कम नहीं होती, और जो इन्फ्लेशन की वजह से जब बाद में जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन अगर उससे असासा जो है वो जो बनाता है उसकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी हो जाती है। और जो क्रेडिटर है जो कर्जा देता है जिस तरह बैंक से, जब वो अफराते ज़र की सूरत में कर्जा उन्हें वापस किया जाता है तो उसकी वैल्यू उस करेंसी की बहुत गिर चुकी होती है, परचेजिंग पावर यानी कम हो जाती है, तो उन्हें नुकसान होता है, तो ये इसी वजह से कारोबार भी ये जो है बेहतर होता है लोग कर्जा लेके जो इन्फ्लेशन की सूरत में। ये सिंपली इस तरह है कि एक शख्स है उसने बैंक से कर्जा लिया, एक गाड़ी ली, पाकिस्तान में ये ज़्यादा चीज़ें रेलिवेंट है कि उसने गाड़ी ली मसलन सुजुकी कंपनी की गाड़ी, तो जो है आज से एक साल पहले जो है वो तकरीबन 15 लाख की थी, उसने एक गाड़ी ली 15 लाख की और एक साल के बाद जो है उसने वो बैंक को वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है कि वही गाड़ी जो है वो हो गई है 26 लाख रुपये की, तो ये तकरीबन 11 लाख जो है उसमें इजाफा हो गया, तो जब उसकी वैल्यू यानी इतनी बढ़ गई है मार्केट, लेकिन बैंक वाले को जब पे करेगा तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी कि वो उतने की गाड़ी खरीद सके। तो ये इस तरह जो कर्जा देने वाला है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो कर्जा लेने वाला है उस पर जो है वो क्या है उस पर अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह जिनकी इनकम जो है ना वो फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल इनकम वाली हैं, जिनकी इनकम जो है वो यानी जो बहुत सारे ऐसे जो कमीशन पे काम करते हैं कि अगर इतनी सेल है तो ये है, ऐसे लोग जो हैं उन पे इसका अच्छा असर पड़ेगा, जो कि कारोबार इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है बढ़ता है तो उनकी भी इनकम उसी हिसाब से सेल ज़्यादा होगी। सेल्स मैन है जिस तरह कि इतने पे इतना है, इतने पे इतना है, इतने जो बढ़ते जाएंगे उनकी जो इनकम बढ़ती जाएगी उन पे तो अच्छा असर पड़ेगा।
लेकिन एज कम्पेयर टू दिस जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और कोई भी किसी और ऑटोनोमस बॉडी में जो है वो उनकी अगर फिक्स्ड इनकम है, जिस तरह हमारे कोई बैंक्स हैं, जिस तरह हमारे जो हैं वापडा के जो हैं वो मुलाजमीन हैं, डिस्कोस जो कंपनीज हैं इनके, तो पीआईए में ऑटोनोमस बॉडीज बहुत सारी हैं, तो उनकी फिक्स्ड इनकम है, लिहाजा उस पर उसका जो है असर जो है वो नेगेटिव पड़ता है, उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, चूंकि वो अब उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं रह सकते। अब उन्हें मसलन एक शख्स 1,00,000 रुपए ले रहा है तो 20% महंगाई है, तो अब वो 1,00,000 रुपए जो जो खर्च कर रहा था, तो अब इसका मतलब ये है कि उतनी ही चीजें खरीदने के लिए उसे 1,20,000 रुपया चाहिए, लेकिन उसकी तनख्वाह फिक्स्ड है, ता वक्त है कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो है 20,000 जो है इनकम ना बढ़ा दे, अगर बढ़ाएगी तो वो पिछले जो है मायार पे रहेगा, अदरवाइज तो उसके बुरा असर पर वो पहले से कम चीजें वो खरीदेगा, कम खिदमत हासिल करेगा, तो ये इस पर बुरा असर पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल इनकम जो है जिनकी है जो बढ़ा सकती है खुद ही, जिस तरह मजदूर है तो वो कहती हैं नहीं नहीं अब बहुत महंगाई है, तो वो 1,000 रुपए की बजाय 1,200 रुपए दिहाड़ देती हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं जो कमीशन पे काम करती हैं उन पे जो है इसका अच्छा असर पड़ता है। इसी तरह आपके गवर्नमेंट जो है रेवेन्यूज पे प्रोसीड्स पे गवर्नमेंट प्रोसीड्स पे क्या पड़ते हैं, अगर ये अफरातेजार चाहिए इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है उन लोग गवर्नमेंट को प्रोसीड से जो टैक्सीज हैं वो उससे हासिल करदा इनकम जो होती है वो बढ़ती है, तो ये एक जो है इसका गवर्नमेंट रेवेन्यूज पे जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने आपको जिस तरह बताया कि बहुत सारे और रीजंस हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टेररिज्म है और मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसकी वजह से जो है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है, सर्कुलर डेट है, एनर्जी क्राइसिस, इसकी वजह से जो है वो ये सिर्फ अफराते ज़ार जो है वो रीज़न नहीं है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ये टैक्स कलेक्शन और हमारे यहाँ करप्शन की वजह से, टैक्स एवेजन की वजह से जो है हमारे यहाँ ये कम होती है, अदरवाइज वैसे ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ वैसे टैक्स प्रोसीड जो है ना वो उस तरह नहीं बढ़ रही, अगर टारगेट था 5,000 बिलियन डॉलर का तो वो हमारा 7,000 का था, तो वो मेरा ख्याल है 5,000 बिलियन डॉलर जो है 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ये टारगेट अचीव नहीं होता, इसी वजह से हमें कर्जे भी लेना पड़ते हैं, तो ये एक जो है इस पे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिजनेसमैन जो हैं वो उन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है कि वो चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो एक चीज़ अगर वो ले रही हैं 10 रुपए की, तो आगे वो बढ़ रही है तो 12 रुपए की, तो उनके वो मुनाफे पे कोई उतना असर नहीं पड़ता, तो ओवरऑल उन पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तो ये एक जो है इस पे बिजनेस जो है कम्युनिटी पे इसका अच्छा असर पड़ता है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो जो शेयर बेच रहे हैं वो जनरली वो जो है ड्यूरेबल होती हैं, और उसकी वजह से जो 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 लेबर है वो उसकी तो इन्होंने फिक्स्ड इनकम देते हैं, बल्कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अफराते ज़ार को की सूरत में वो ये चीखते हैं, लेकिन ये टैक्स बचाने के लिए तो इन पर अच्छा असर पड़ता है, और इनकी इंडस्ट्री अगर हम जो डाटा देखें वैसे थ्योरेटिकली तो ये कह रही हैं कि हमारी इंडस्ट्री ये बंद हो रही है, लेकिन इनकी अगर स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो हमारे बैंक जो हैं वो मसलन MCB है, अभी बैंक है इनका 30-35-40-40 अरब रुपया टैक्स अदा करने के बाद इनका मुनाफा है, यही जो है निषाद जो है टेक्सटाइल उसका मैंने मुनाफा देखा है, मेरा ख्याल है 10-12 जो है, जो इसी तरह गुल अहमद जो है ये अरब रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे जो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, यही जो है फौजी फर्टिलाइजर है दूसरे हैं इनके भी इसी तरह 5-10 लाख, सुजुकी कंपनी का 5 अरब जो है वो मुनाफा है, तो ये लेकिन चीखते इसलिए हैं कि गवर्नमेंट से कोई कंसेशन दे लें और टैक्स भी माफ करवा लें, तो ये जो है इस वाले से एक जो है अच्छा असर ये पड़ता है उस कम्युनिटी पे कि वो ये है कि लोग ज्यादा कोशिश करती हैं, मोर स्ट्रगल मोर एफर्ट्स दे पुट अप मोर एफर्ट्स, किस तरह अब अफराते जा रहे हैं महंगाई है, तो अब लोग देखते हैं कि वो क्या है वो दूसरी जॉब को शुरू कर देती हैं, और पाकिस्तान में आपने देखा है कि दूसरी जॉब क्या है
वो कोई बाइक क्या जो है उबर जो है वो क्रीम जो है ये मुख्तलिफ जो है या कोई और घरों में काम काज करना ये ट्यूशन सेंटर्स जो है खोल लेती हैं तो ये इन्फ्लेशन ये वो मोर प्रोडक्टिव हो जाती हैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं डॉक्टर्स ज़्यादा वो एफर्ट्स करती हैं अफरात ज़र से बचने के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव जो है इसका इफेक्ट पड़ता है इस पर पावर्टी पावर्टी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब अफरात ज़र होता है तो कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा पुअर जो हैं ये जो पाकिस्तानी सिनेरियो में ये बताया गया कि तकरीबन पावर्टी में 4% इजाफा होगा ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो 4% का मतलब ये है कि ये 60-70-80 लाख लोग जो हैं गुरबत की लकीर से नीचे चले जाएंगे तो ये एक बहुत यानी 1 करोड़ अफराद क्या ने हमारे यहाँ जो डाटा तो सारे ही तकरीबन इसी तरह का है लेकिन इस वाले से पावर्टी के हवाले से कोई इतना खातर खा डाटा जो है ना प्रो पुअर 4-5 बैंड तो बनाए हैं लेकिन ये है कि वो इतनी क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है पहले कह रहे थे 24% है लेकिन ये 1.96 या 2 डॉलर डे के हिसाब से 60% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पावर्टी लाइन तो ये और लोग जो हैं इसकी वजह से जो है ना वो अपना गुजारा नहीं कर सकते और ये आपने देख लिया है कि जो आटे की लाइनें आजकल लगी हुई हैं और कितने मेरा ख्याल है कोई 20-30 अफराद तो मर चुके हैं ये गुर्बत का इजहार ही है तो ये सूरत हाल होगी अगर यही रही तो फिर आगे अल्लाह ही हाफिज़ है। नेक्स्ट है इनकम डिस्पैरिटी अमीर और गरीब के दरमियान जो है गैप जो है इन्फ्लेशन की वजह से मजीद बढ़ता है रीज़न ये है कि निचले वाला पहले ही जो है डाटा ये कह रहा है टॉप 10 हाउस होल्ड जो है ना वो 42% जो है वो इनकम पे जो उनका कब्जा है और जो बॉटम 50% है ये मेजॉरिटी जो है सिर्फ 13% जो है इनकम यानी 100 में से 13 रुपये जो है उनके पास आती हैं तो ये इतनी गैप जो है और ये वक्त के साथ चूंकि अमीरों के पास पैसा है और वो पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्ट किया हुआ है बैंकों से सूद दे रहे हैं सोना खरीदा हुआ है यानी गोल्ड का वो बिजनेस कर रहे हैं फिर ये स्पेकुलेशन डॉलर खरीदे हैं प्रॉपर्टी में जो है वो जाते हैं तो ये जो इनकम डिस्पैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज इंक्रीजिंग इन पाकिस्तान दिस इज नेगेटिव इम्पैक्ट और नेक्स्ट जो है वो फार्मर्स पे अब फार्मर वो होता है जो नेचर डिपेंडेंट होता है तो फार्मर पहले ही जो है बहुत ही वीक होता है लेकिन जब फार्मर्स के चूंकि सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है स्पॉट प्राइस भी होती है तो इसकी वजह से फार्मर्स और जो इनपुट्स उसे अगर सस्ते मिलते हैं तो इस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब चीज़ें वो जो मैगी उसकी जो जो फसल है बिकती है उसके रेट जो हैं गंदम है चावल है या गन्ना है पाकिस्तान में कैश क्रॉप्स तो वो फार्मर जो हैं वो खुशहाल होता है तो ये उस पर अच्छा असर पड़ता है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस किस तरह का है लेकिन पाकिस्तान में फार्मर्स पर ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है फार्मर पहले से जो हैं वो खुशहाल हुए हैं तो नेक्स्ट जो है वो आपका है मैंने जिक्र किया है कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है पेंशनर्स का और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का और आपने देखा है कि ये हर साल बजट से पहले जो है ये इजाज भी करते हैं रीज़न ये है कि इनके फिक्स्ड इनकम होती है और महंगाई इतनी हो जाती है कि आप वो उसमें वो गुजारा नहीं कर सकते पहले जो लिविंग स्टैंडर्ड पर वो नहीं रह सकते इसीलिए वो डिमांड जो है गले में रोटी डाल के वो इजाज कर रही होती है कि हाँ जी महंगाई मार गई तो ये एक इस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और फिर ये अगर ये गवर्नमेंट अगर वो इंडेक्सेशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में नहीं है बाज ममालिक में ये जो वेलफेयर स्टेट्स हैं कि इंडेक्सेशन ये है कि जितना इन्फ्लेशन रेट होगा जो वो कैलकुलेट कर उतनी ही ऑटोमेटिकली जो है पेंशन और जो है वो सैलरी जो है वो बढ़ती है लेकिन हमारे मुल्क में ये मेरे ख्याल है डॉक्टर महबूब अल्लाह ने शायद 80s में ये इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन बाद में ये विड्रा कर लिया लेकिन इसका फिर असर ये होता है कि वो थोड़े से एक स्कॉलर है उसने कहा कि फिर लोग जब आप वो उनके मुतालबात नहीं मानते उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी करते तो फिर वो क्या है जो पैसिव जो हैं वो रेजिस्टेंस शो करती हैं एक्टिव तो वो स्ट्रीट में आ जाती हैं और पैसिव का मतलब ये है ये वो फिर काम जो है वो कहेंगे बस काम भी इसी तरह कर रहे हैं यही वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो मुलाजमीन है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते वो कहती हैं गवर्नमेंट इतनी पे हमें नहीं देती तो ये वन ऑफ द रीजन और भी बहुत सारे रीजन है एक जो इम्पैक्ट जो है वो आपके जो सेगमेंट है वो क्राइम्स जब भी इन्फ्लेशन होता है तो कास्ट ऑफ लिविंग पूरी नहीं होती
तो ये क्राइम बढ़ जाती हैं, ये स्नैचिंग के, पर्स उठा लिया, मोबाइल फोन उठा लिया, ये स्ट्रीट क्राइम जो है उसकी जो है ये इसके साथ कंपैटिबिलिटी जो है वो देख लें। हमारे यहाँ डाटा चूंकि क्राइम जो भी रिपोर्ट करवाने जाता है वो लोग, पहली तो बात है छोटे मोटे क्राइम रिपोर्ट करवाते ही नहीं है पुलिस वाले, वो हमारा टिपवाई जो है वो ये केस रजिस्टर करते ही नहीं है, FIR ही नहीं दर्ज करते। रीज़न ये है कि ये चोरी की सूरत में उनका प्रमोशन भी नहीं होता और जलील भी होती हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर थाने का ये क्राइम रेट बढ़ता है तो ऊपर वाले को कहेंगे कि ओके ये आप क्या कर रहे हैं, तो अंडरग्राउंड ये जो है वो है। लेकिन क्राइम ये बढ़ती हैं जब भी इफ़रात ज़र होता है, उसमें ये सारे जो हैं स्ट्रीट क्राइम जो हैं वगैरह वगैरह, और प्रोस्टिट्यूशन और जिस्म फरोशी और ये सारी चीज़ें जो हैं टू मीट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जो है दे हैव टू डू दिस। इसी तरह आपके कस्टम्स पे आपकी जो टैबूज हैं, जो आपकी रवायात हैं, जो आपकी रसूमात हैं सोसाइटी की, उस पर क्या असर पड़ता है, तो इस पे जो है आपका मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब महंगाई उठती है तो लोग कोशिश करते हैं कि सादगी की तरफ जाएं, वो जहेज कम दें जिस तरह जो हैं, और फिर गवर्नमेंट भी उसमें जो हिस्सा डालती है कि वन डिश का कॉन्सेप्ट जो करवा के सिंपलिसिटी, जुनेजा साहब ने पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाया था, आजकल तो नहीं है, लेकिन वंस अगेन गवर्नमेंट इज ऑन द ऑन दैट पाथ कि ऑस्टेरिटी प्रोग्राम के तहत जो हैं ये 800 cc गाड़ियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इवन मिनिस्टर भी यूज़ करें। तो दोबारा ये सिंपलिसिटी आप जो है कैबिनेट काम रखिए इस साइड पे, ये अफरात ज़र की वजह से ही है और बैरूनी कर्जों की वजह से है, वन ऑफ द फैक्टर्स जो है उसमें ये भी शामिल है इन्फ्लेशन। तो इसी तरह एक जो है उस पर इम्पेक्ट पड़ता है आपका साइकोलॉजी जो है, जो साइकोलॉजिकल जो हैं इश्यूज जो हैं वो आपके बढ़ती हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होती हैं, ड्यू टू टेंशन जो है, फैमिली हेड जो है वो गुजारा नहीं कर सकता, उसकी मेंटल एडमेंट, डिमेंशिया जल्दी हो जाता है, या और ये इस तरह के जो हैं ये चीज़ें जो है वो आइसोलेशन में चला जाता है बंदा, फैमिली जो है अवॉइड करता है दोस्तों को और रिश्तेदारों को कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो ये आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो इसी तरह डिवोर्स रेट जो हैं उसमें भी इसका जो है महंगाई का आपने देखा है, खुदकुशियाँ हैं उसमें जो हैं ये इसी वजह से हो रही हैं पाकिस्तान में ज़्यादा, बच्चों को भी मार दिया है, वो भी भूख नंग से तंग हो गई, वो भूख नंग इसी वजह से है कि अफराते साथ जो हैं रोज़गार है नहीं, तो ये जो है इश्यूज जो हैं ये आपको देखने में आती हैं। और पाकिस्तान में या आए रोज़ इस तरह के हादसा जो हैं आपने देखा है कराची में, लाहौर में और दूसरे शहरों में ये पेश आ रहे हैं। ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक चीज़ ले एक रेट पे लेके और दूसरे को दूसरे जो रेट पे दरमियानी जो है वो मुनाफा कमाने, ये ट्रेडिंग जो है आपकी ये लोकल एंड फॉरेन, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बढ़ती है, लोग प्रोडक्शन के बजाय जो है वो ट्रेड की तरफ जाती हैं, और आपने देखा है पाकिस्तान में ये ट्रेड राइस पे है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, ट्रेडिंग जो है वो इधर से प्रोडक्ट चाइना से आके इधर जो है वो लेके आती हैं, वहाँ से 100 रुपये की और यहाँ पे 500 रुपये की बेच के अल्लाह खैर सलाह, तो ये जो है ये इस ट्रेड में जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो इजाफा देखने में आया है, इसका के बैकग्राउंड भी और भी रीजंस हैं, लेकिन अफराते ज़र जो मेन रीज़न है। फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपकी अफराते ज़र की सूरत में इसका जो असरात में जो है फ्यूचर प्लानिंग पे जो है नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। फ्यूचर के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि फ्यूचर जब अनप्रेडिक्टेबल हो, अनसर्टेन हो, पता नहीं कीमतें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, अभी तो हमारी उतनी नहीं बढ़ रही तो उसके साथ अभी उतने टफ नहीं है, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है फ्यूचर के बारे में वो मसलन हम कहते हैं कि अच्छा जी ये दासू डैम जो है वो इतने जो है 2025 में या 2026 में जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन अफराते ज़र की वजह से जो है वो अब उसकी कास्ट जो है वो रिवाइज़ करना पड़ेगी, पहले उसकी अगर जो है 10 बिलियन रुपीज़ थी तो अब वो अफराते ज़र की वजह से, चूँकि सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया और भी सारे फैक्टर, तो वो अब जो है हो सकता है 20 बिलियन जो है की हो जाए, तो ये इफ़ेक्ट करती हैं ये बहुत सारे प्रोजेक्ट। एक आपने देखा है ये पिंडी में नाला लेक का जो है प्रोजेक्ट था, देखिए उस ज़माने में शायद 10-12 अरब का जो था, अब जो है मेरा ख्याल है 100 अरब से भी ज़्यादा इस पर खर्च आएगा, तो ये फ्यूचर प्लानिंग जो है ना वो तकरीबन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हम जो भी एस्टिमेट लगाती हैं वो इरेलीवेंट हो जाते हैं, रिवाइज करने पड़ती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट दोबारा बनाना पड़ती है, तो ये बुरी तरह मुतासर।
ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फिजिबिलिटी, वो भी मैंने इसी में जो आपको बताया कि ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर है जो बहुत बड़ा सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर में इसका खासा कंट्रीब्यूशन है। सर्विसेज सेक्टर हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, 58% जीडीपी में इसका शेयर है। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारी जो जब फरातेजार होता है तो इनका मुनाफा और बढ़ता है और ये इन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो है जो मैंने आपको बताया कमोडिटी इन्फ्लेशन, क्वालिटी इन्फ्लेशन ये है कि क्या है कि कीमतें में जो इजाफा, कास्ट में जितना इजाफा हुआ है कीमतों में उससे ज़्यादा इजाफा आपने देखा है कि वो अगर पेट्रोल जो है महंगा होता था 2 रुपये तो किराया जो है हालांकि 2 रुपये लीटर है तो किराया अगर एक वैगन में सवारियां हैं 16 सफ़र करती हैं तो वो 2 रुपये फीकस के हिसाब से बढ़ाता है, हालांकि ये 2 रुपये तो वो पूरे 16 पे वो तकसीम करके तो वो 2-4 आने जो हैं वो बढ़ाना चाहिए। तो ये कमोडिटी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो है ये ट्रांसपोर्टर जो हैं ये इसका जो फ़ायदा उठाती हैं और इनका मुनाफा हमेशा बढ़ता है। और आजकल तो बड़े रूट जो हैं कराची से पिशावर और पिंडी से कराची और ये बड़े बड़े रूट्स पे ये बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं और बल्कि आप तो MNAs हैं, MPAs हैं, वो इसमें खासी अर्निंग करते हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो खुश होती हैं बल्कि जब अफरातेजार हो। हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, हेल्थ सेक्टर पे जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिसिन का बिजनेस करती हैं उस पर बहुत अच्छा जो पड़ता है, महंगी जितनी भी होती हैं ये चूँकि इनकी इलास्टिसिटी कम होती है, ये एक मरीज ने खानी खानी है, सस्ती हैं महंगी हैं तो वो उनकी डिमांड कम नहीं होती और इसी वजह से वो मुनाफा जो है वो अगर पहले टैबलेट जो हैं 10 टैबलेट अगर 100 रुपये की मिल रही थी अब 200 की हो गई हैं तो उन्होंने मुनाफा वो बल्कि वो 200 की हैं तो वो 250 उसकी प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये उस पर जो है लेकिन जो दूसरी साइड पे जो कंज्यूमर्स हैं उन पे जो है बुरा असर पड़ता है कि वो अपने बच्चों की या अपनी जो है वो बेहतर जो है वो हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते। तो ये इस वाले से हेल्थ सेक्टर पे एक साइड पे अच्छा असर पड़ता है और दूसरी साइड पे उस पर बुरा असर भी पड़ता है। सेविंग्स, सेविंग पाकिस्तान की जो है नेशनल सेविंग्स हैं वो तकरीबन 11% हैं और ये कम हुई हैं 15% से, यानी हम 100 रुपये में से 89 रुपीज़ जो हैं वो खर्च कर देते हैं। MPC जो है ना वो 0.89 है हमारा, यानी जो इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं इसे MPC मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो सेविंग हमारी जो है बहुत कम है। मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया तो सेविंग पे बुरा असर पड़ता है। अफरातेजार जो हैं वो जब होता है महंगाई होती है तो लोग जो हैं जो अब पहले से ज़्यादा उन्हें खर्च करना पड़ता है, जो पहले बचत कर रहे थे अगर 20% इन्फ्लेशन है तो 20% सेविंग है तो वो सारी उधर चली जाएगी टू मेंटेन प्रीवियस लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए। तो ये सेविंग पे जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ता है। इसी तरह फॉरेन ट्रेड पे हमारा जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट जब इन्फ्लेशन होता है तो महंगी होती है, उनकी डिमांड कम होती है, यानी बाहर के ममालिक आपकी चीज़ों को कम खरीदते हैं, लेकिन इम्पोर्ट जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना वो ज़्यादा करता है। जब इम्पोर्ट ज़्यादा करता है तो एक्सपोर्ट कम होती है तो इनका दरमियानी गैप जो जो बढ़ता जाएगा तो डेफिसिट आपका जो है वो यानी ट्रेड डेफिसिट जो है इसे कहती हैं वो बढ़ता जाता है। तो ये एक जो है इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यही वजह है कि हमारा जो है फॉरेन ट्रेड गैप जो है डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इसी तरह नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ही पुअर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि बेसिक जो है आपकी नीड्स हैं रोटी कपड़ा मकान तालीम और सेहत, ये आपकी क्वालिटी को मेंटेन कर, इसके साथ साथ एक और जो है आपकी डिग्निटी और ग्रेस है। जब आपकी महंगाई होती है तो आपकी वो ग्रेस वो डिग्निटी, अगर अच्छा कपड़ा वो आप यूज़ कर रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे तो वो नहीं है। अब आप जो हैं वो आपकी सेविंग भी जो है वो नहीं है, आप किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, तो अगर फैलाते हैं तो आपकी डिग्निटी एंड ग्रेस इज गॉन। तो ये आपकी जो है वो क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इन्फ्लेशन से जो है वो बहुत मुतासर होती है कि आप अगर नहीं मांगेंगे तो तब भी टेंशन, मांगेंगे तो आपकी जो है वो प्रेस्टीज रिस्पेक्ट टू ऑनर एंड इफ सोल इज लास्ट ऑल इज लास्ट वाली बात है। तो
एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुहैया करने का ह्यूमन सफरिंग इंडेक्स बनाया गया है कि इंसान के जो है वो कितने जो है उसके जो है वो तकालीफ है उसे जो है उसकी एहसासात किस तरह डैमेज हो रही हैं। ह्यूमन सफरिंग जो है वो इंडेक्स, तो महंगाई की वजह से जब आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, पहले जितना अच्छा खाना नहीं खा सकते, कपड़ा नहीं पहन सकते, बच्चों की फीस उस तरह नहीं अदा कर सकते, और स्पेशली मैं पाकिस्तान में जिक्र करूँ कि हाउस रेंट पाकिस्तान में ये जो है सेक्टर में जो है इन्फ्लेशन हमेशा जो है ना, अगर नॉर्मल अगर जो है वो इन्फ्लेशन CPI अगर 9% है तो ये हमेशा 20% है, इससे ज़्यादा है। तो ये जो है जो बिल्कुल शहरों के अंदर जो है किराए पे जो लोग रहती हैं उनकी जो है ह्यूमन सफरिंग जो है वो मेरा ख्याल है वो महसूस कर सकता है वो बंदा, वही जो है जो किराए पे रह रहा है या ये जो कम फूड पे लो क्वालिटी पे जो है वो कम्प्रोमाइज कर रहा है, ये ह्यूमन सफरिंग जो है वो इंडेक्स है। इसी तरह बूढ़े लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं इसमें, तो जो बेवा जो है औरत है वो इससे मुतासर होती है। तो ये इस नेक्स्ट जो हैं ये यानी ये नेगेटिवली ह्यूमन सफरिंग्स बढ़ती हैं। नेक्स्ट है वो आपका अंडरग्राउंड इकानमी सब्टीरेनियन, इसे सब्टीरेनियन इकानमी अंडरग्राउंड इकानमी पाकिस्तान की मोर देन 60% है, और ये इन्फ्लेशन की वजह से अंडरग्राउंड इकानमी जो है वो और जो है वो जो है फलती फूलती है। जिस तरह मैंने कहा स्पेकुलेशन होती है, प्लाट खरीद रही है, सोना खरीद रही है, करेंसी खरीद डॉलर खरीद रही है, वो घरों में रखी हुई है और रातों रात अमीर होते हैं, तो ये आपकी अंडरग्राउंड इकानमी फर्दर जो है ये फ्लरिश करती है, स्मगलिंग जो है वो होती है, तो उसकी वजह से जो है और ये जो है वो इसमें इजाफा होता है। और पाकिस्तान में ऐसे ही है कि एक साइड पर जो है आप देखें अगर बड़े बड़े होटल्स हैं पार्क हैं वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह कोई नहीं है, शहरों में बड़े बड़े मकान हैं, इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है शायद ही कोई घर हो जो कि 3 करोड़ रुपये का हो, यानी 4 करोड़ से ऊपर ऊपर के ही घर हैं। तो ये जो सारे ये इन्फ्लेशन की करामात हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ये इस पर कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिस्कशन हुई है कि इसके ये इफ़ेक्ट्स हैं और ये इसके इम्पैक्ट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरा चैनल जो है ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट TV जो हैं वो ना सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि दूसरे दोस्तों को भी कहेंगे कि ये जो हैं इस चैनल को जो हैं वो सब्सक्राइब करें ऑन द विस्टम ऐट, और भी जो हैं वो लेक्चर जो हैं शायद नेट पे होंगे, मेरा भी देखें कि कितना कंप्लीट कंप्रिहेंसिव और कम्पैक्ट ये जो हैं ये मैंने कोशिश की है कि सारे जो डायमेंशन हैं उसके वो डिस्कस कर दूँ, लेकिन फिर भी एक दो जो रह जाती हैं। उम्मीद है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी इससे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। ओके।